नमस्कार, मैं डॉक्टर भारतेंदु गौतम आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत करता हूँ। आज हम पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ तथा उसके विभिन्न घटकों का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने पर्यावरण भूगोल की अर्थ और उसकी परिभाषा के बारे में जाना था। पारिस्थितिक तंत्र एवं पर्यावरण आपस में जुड़े हुए हैं। पर्यावरण के सभी घटक जीव मंडल में निवास करते हैं और आपस में क्रिया प्रतिक्रिया करते हुए अंतर संबंधित रहते हैं। यही अंतर संबंधित स्वरूप पारिस्थितिक तंत्र के नाम से जाना जाता है। पारिस्थितिक तंत्र क्या है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द किसने दिया, पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना का विकास किस प्रकार हुआ, पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन कौन से हैं, इन सभी तथ्यों का विस्तृत अध्ययन इस अध्याय में किया जाएगा। सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा हम देखते हैं। पृथ्वी के परिमंडलों क्रमशः स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के सभी जीव जंतु एवं पादप एक निश्चित व्यवस्था क्रम में परिचालित होते रहते हैं। अर्थात स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल पर जितने भी जीव जंतु वनस्पति आदि पाए जाते हैं वे सभी एक निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत अपना कार्य संचालित करते हैं या एक निश्चित व्यवस्था में बंधे हुए हैं। किसी भी समुदाय में अनेक प्रजातियों के प्राणी साथ साथ रहते हुए परस्पर एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं तथा अपने पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं। जैसा कि आपको मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि पर्यावरण या जीव मंडल में जितने भी जीव जंतु वनस्पति मानव निवास करते हैं वे आपस में तो अंतर्क्रिया करते ही हैं, साथ ही साथ वे अपने चारों ओर के पर्यावरण पर भी प्रभाव डालते हैं। तो इससे जो अंतर्क्रिया उत्पन्न होती है या इससे जो अंतर संबंध उत्पन्न होते हैं, जो स्वरूप बनता है, जो अंतर संबंधित स्वरूप निर्मित होता है, यही पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। यहाँ पर लिखा भी है इस संपूर्ण व्यवस्था को पारिस्थितिक तंत्र के नाम से जाना जाता है। इकोसिस्टम यही कहलाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र विभिन्न घटकों का एक सम्मिलित रूप है। जीव मंडल एक विस्तृत एवं विशाल पारिस्थितिक तंत्र है। जीव मंडल वह मंडल है जहाँ पर जीवित जीवों के विकास के लिए या उनके रहने के लिए आवश्यक दशाएं पाई जाती है। तो जीव मंडल एक विशाल पारिस्थितिक तंत्र है क्योंकि इसमें सभी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों को सम्मिलित किया जाता है। तो ये एक बृहद पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आता है। प्रकृति में संपूर्ण जीव जंतुओं तथा पादपों के पर्यावरण के साथ क्रियात्मक अंतर संबंधों को सर्वप्रथम ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री आर्थर टांसले ने पारिस्थितिक तंत्र कहा है। तो सबसे पहले आर्थर टांसले नामक विद्वान थे जिन्होंने इस व्यवस्था को पारिस्थितिक तंत्र नाम दिया या इकोसिस्टम नाम दिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री आर्थर टांसले के द्वारा किया गया और ये उन्होंने 1935 में सबसे पहले ये शब्द दिया था। उन्होंने पारिस्थितिक तंत्र को परिभाषित करते हुए लिखा कि द सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। अर्थात पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र वह तंत्र है जिसमें वातावरण के समस्त जैविक और अजैविक कारक संबंधित होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने परिभाषा भी दी है कि पारिस्थितिक तंत्र वह तंत्र है जिसमें पर्यावरण के समस्त जैविक और अजैविक घटक आपस में अंतर संबंधित रहते हैं, आपस में अंतर क्रिया करते रहते हैं। ऐसा जो तंत्र होता है उसे पारिस्थितिक तंत्र के नाम से जाना जाता है। तो जब पारिस्थितिक तंत्र की अर्थ और परिभाषा के बारे में प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले हम इसके विकास के बारे में परिचय सबसे पहले इसके परिचय के बारे में हम बताएंगे। उसके बाद पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया वो हम बताएंगे और अंत में टांसले के द्वारा जो परिभाषा दी गई वो हम इसमें बताएंगे। उसके बाद हम ये बताएंगे कि टांसले ने कौन सी परिभाषा पारिस्थितिक तंत्र के बारे में दी। उन्होंने कहा है कि पारिस्थितिक तंत्र वह तंत्र है जिसमें वातावरण के जैविक और अजैविक कारक अंतर संबंधित रहते हैं। इसके पश्चात आप अपना सामान्य विचार भी दे सकते हैं, यानी पारिस्थितिक तंत्र वह वृहद प्रणाली है या वह वृहद तंत्र है जिसमें समस्त जैविक अजैविक तत्व निवास करते हैं, रहते हैं और आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं, साथ ही साथ पर्यावरण से भी अंतर्क्रिया करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ें महत्वपूर्ण है कि पारिस्थितिक तंत्र में सभी जैविक और अजैविक तत्व पाए जाते हैं,
ये आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित भी होते हैं और साथ ही साथ ये आपस में अंतरक्रिया करने के साथ साथ पर्यावरण से भी अंतरक्रिया करते हैं और इसके फलस्वरूप जो एक विशिष्ट तंत्र का निर्माण होता है, एक व्यवस्था बनती है, उसे पारिस्थितिक तंत्र के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार जो पारिस्थितिक तंत्र है वो जीव मंडल में पाए जाने वाले विभिन्न घटकों का ही एक समूह है जो आपस में जुड़े हुए हैं और अपने चारों ओर के पर्यावरण के साथ अंतरक्रिया करते रहते हैं। तो इस प्रकार हमने पारिस्थितिकी तंत्र की अर्थ और परिभाषा देखी। इसके बाद हम देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र के घटक। प्रकृति में परिचालित प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र की संरचना दो प्रकार के घटकों से होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं दो प्रकार के घटक होते हैं जो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाते हैं। पहला है अजैविक घटक और दूसरा है जैविक घटक। अजैविक घटक एबायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं और जैविक घटक बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। इस प्रकार से दो घटक हो गए यहाँ पर, जैविक घटक और अजैविक घटक। तो दोस्तों दो प्रकार के घटकों से मिलकर के पारिस्थितिक तंत्र बना हुआ है, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। सबसे पहले हम एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं कि जो अजैव घटक हैं वो कौन कौन से हैं और इनका पारिस्थितिक तंत्र में क्या कार्य होता है। अजैविक घटक तीन प्रकार के हैं। सबसे पहले भौतिक कारक, दूसरा अकार्बनिक पदार्थ और तीसरा कार्बनिक पदार्थ। भौतिक कारकों में भौतिक पर्यावरण से जुड़े हुए कारकों को लिया जाता है क्योंकि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के विकसित होने, उसके परिचालित होने, उसके बने रहने में भौतिक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि जो भौतिक कारक हैं जैसे तापमान है, आर्द्रता है, प्रकाश है, वायुमंडलीय दाब है, इन सभी के बिना किसी भी जीव का अस्तित्व में रहना या किसी भी कारक का अस्तित्व में रहना संभव नहीं है। तो ये आवश्यक हैं और ये प्रकृति में पाए जाते हैं। भौतिक कारकों में प्रमुख है नंबर एक तापमान, जो कि हमें सूर्य से प्राप्त होता है। दूसरा आर्द्रता, नमी जो कि वातावरण में विद्यमान होती है। तीसरा प्रकाश, प्रकाश भी हमें सूर्य से प्राप्त होता है। और चौथा है वायुमंडलीय दाब। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो उत्पादक होते हैं वे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ये बिना तापमान, बिना सूर्य के प्रकाश आदि के संभव नहीं है। तो भौतिक कारक पारिस्थितिक तंत्र में काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि जो पारिस्थितिक तंत्र का ढांचा है वो इसी पर टिका हुआ है। इसके बाद दूसरा है अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थों में विभिन्न प्रकार की गैसें, जल आदि को सम्मिलित किया जाता है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, खनिज लवण आदि को अकार्बनिक पदार्थों में सम्मिलित करते हैं। ये सभी कारक अकार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। और जो पेड़ पौधे होते हैं वे इन सभी कारकों का उपयोग भी अपने भोजन के रूप में या किसी न किसी प्रकार से करते हैं। यानी कहा जाए तो केवल उत्पादक ही नहीं, उपभोक्ता भी इन सभी तत्वों का उपयोग विभिन्न प्रकार से करते रहते हैं। तो दूसरा जो प्रमुख अजैविक घटक है, नंबर एक तो हो गया भौतिक कारक, नंबर दो अकार्बनिक और तीसरा कार्बनिक। तो इस प्रकार से प्रमुख अकार्बनिक जो घटक हैं जल है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, आदि गैसें हैं। इसके बाद जो तीसरा प्रमुख अजैविक घटक है वो है कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं। ये हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। इनका कार्य जीवों को पोषण देना होता है। प्रत्येक जीव, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे मानव हो, जीव जंतु हो, उनमें ये सभी तत्व पाए जाते हैं क्योंकि ये मानव को या दूसरे जीव जंतुओं को, वनस्पति को पोषण देने का काम करते हैं। तो ये भी प्रकृति में विभिन्न रूपों में जीव जंतुओं के अंदर विद्यमान रहते हैं। तो तीसरा कारक हो गया कार्बनिक पदार्थ, जिसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और लिपिड है। ये सभी जो आवश्यक तत्व होते हैं ये विभिन्न प्रकार के पोषण स्तरों के माध्यम से एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो अजैविक घटक हैं उन्हें हमने तीन भागों में बांटा है। सबसे पहले भौतिक कारक, जिसमें तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब आएगा। दूसरा है अकार्बनिक पदार्थ, जिसमें जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन को सम्मिलित करते हैं।
तीसरा है कार्बनिक पदार्थ, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड आदि को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटकों की संरचना संपन्न होती है। पारिस्थितिक तंत्र के जो दूसरे घटक हैं वो है जैविक घटक। काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो अजैविक घटक हैं वो किसी न किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जैविक घटकों तक पहुंच जाते हैं और वो वापस चक्रीय प्रक्रिया के माध्यम से अब घटकों के द्वारा वापस पर्यावरण में मुक्त कर दिए जाते हैं। ये अभी हम आगे जब विस्तार से अध्ययन करेंगे पारिस्थितिक चक्रों के बारे में, उनमें अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से विभिन्न जो तत्व है वो पारिस्थितिक तंत्र में चक्कर लगाते हुए एक स्तर से दूसरे स्तर में जाते हैं और पुनः वापस पर्यावरण में या जो पर्यावरण के तत्व हैं उनमें मुक्त कर दिए जाते हैं। जैविक घटकों में तीन तथ्यों को या तत्वों को शामिल करते हैं। नंबर एक, उत्पादक, जो उत्पादन करने का कार्य करते हैं, प्रोड्यूसर्स। दूसरा है उपभोक्ता, जो कि कंज्यूमर्स कहलाते हैं, उपभोग करते हैं। और तीसरा है अपघटक, उत्पादकों में हरे पौधों को सम्मिलित करते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये स्वपोषी होते हैं, इन्हें प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। तो चूँकि जो उत्पादक है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए ये उत्पादकों के नाम से जाने जाते हैं। जो भोजन है, जो ऊर्जा है, वो यहीं से उत्पन्न होती है और आगे आने वाले पोषण स्रोतों तक या फिर उपभोक्ताओं तक पहुँचती है। उत्पादकों में हम सीधे सीधे पेड़ पौधों को शामिल करते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं उपभोक्ता, कंज्यूमर्स, जो सीधे सीधे किस पर निर्भर करते हैं, उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। यानी जो ऊर्जा है, जो खाद्य ऊर्जा से कहते हैं, जो जिनके लिए खाद्य अपने पोषण के लिए जो विशेष रूप से निर्भर करते हैं, किस पर निर्भर करते हैं, उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। कौन से? उपभोक्ता निर्भर करते हैं। अब उपभोक्ताओं को भी इनके भक्षण के आधार पर या इनके भोजन प्राप्ति के चरणों के स्तरों के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया। तो उपभोक्ता इसलिए कहलाते हैं कि ये स्वपोषी पादपों के द्वारा उत्पादित जैविक तत्वों से अपना भोजन बनाते हैं, यानी अपने पोषण के लिए उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। इसलिए इन्हें किस नाम से जाना जाता है? उपभोक्ता के नाम से जाना जाता है। अब उपभोक्ताओं के भी विभिन्न स्तर हैं। नंबर एक, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता वे होते हैं जो हरे पौधों की पत्तियों अथवा उत्पादकों से सीधे भोजन प्राप्त करते हैं। ये सभी जीव जंतु प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। नंबर एक पर आने वाले हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। इनमें गाय, बकरी, हिरण, खरगोश आदि को सम्मिलित किया जाता है। मानव को भी सम्मिलित कर सकते हैं, मानव भी पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों या उत्पादकों पर निर्भर हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ताओं के नाम से जाना जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ताएँ वे उपभोक्ता हैं जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ताओं अर्थात शाकाहारी जंतुओं पर निर्भर करते हैं। यानी जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर हैं वे द्वितीयक उपभोक्ता हो गए। यानी क्रमशः ये स्तर बढ़ता जा रहा है। प्राथमिक उपभोक्ता वे हैं जो अपने भोजन के लिए पादपों पर निर्भर करते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता वे हैं जो अपने भोजन के लिए उन जीवों पर निर्भर करते हैं जो पादपों पर निर्भर हैं, यानी प्राथमिक उपभोक्ताओं का भक्षण करते हैं। ठीक है, यदि मान लीजिए गाय प्राथमिक उपभोक्ता है तो कुत्ता द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा, क्योंकि कुत्ता गाय से अपना पोषण ग्रहण कर रहा है। इसी के साथ साथ यदि हम वनीय पारिस्थितिक तंत्र में जाते हैं तो वहाँ पर हिरण प्राथमिक उपभोक्ता है, हिरण को खाने वाला शेर या चीता द्वितीय उपभोक्ता हो सकता है। तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस पारिस्थितिक तंत्र की बात कर रहे हैं, किस पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार की हम बात कर रहे हैं। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में हम जाएंगे तो वहाँ पर जो छोटे छोटे कीड़े हैं, शैवाल हैं, जो जीव जंतु हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, जो हरे पादपों पर निर्भर करते हैं।
उसके बाद छोटी मछलियाँ जो उनका भक्षण करती है, छोटी मछलियों का भक्षण करने वाली बड़ी मछलियाँ जो उनका भक्षण करती है, इस तरह से ये क्रमशः ये क्रम बढ़ता चला जाता है उपभोक्ताओं का। तो द्वितीय उपभोक्ताओं में वे उपभोक्ता आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर करते हैं, जैसे शेर है, चीता है, ये सब द्वितीयक उपभोक्ताओं में गिने जाते हैं। तो आपको मैंने पहले बताया कि उपभोक्ताओं का जो क्रम है वो पारिस्थितिक तंत्र के प्रकारों पर निर्भर करता है। तो जैसे गाय है, अब गाय को कौन कौन अपना भोजन बना सकता है, गाय को अपना भोजन चीता, शेर, कुत्ता, सियार आदि अपना भोजन बना सकते हैं। तो ये सब द्वितीय स्तर पर चले आ गए। इस प्रकार से द्वितीय उपभोक्ताओं का क्रम आता है। इसके बाद तृतीय उपभोक्ता आते हैं, ये वे हैं जो सर्वाहारी होते हैं, जो अपना भोजन द्वितीय उपभोक्ताओं से भी प्राप्त कर सकते हैं और प्राथमिक उपभोक्ताओं से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि तृतीय उपभोक्ताओं में उन उपभोक्ताओं को भी शामिल करते हैं जो द्वितीय उपभोक्ताओं पर निर्भर हैं, और साथ ही साथ वे भी आते हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों पर निर्भर करते हैं। तो जो द्वितीय उपभोक्ताओं पर निर्भर हैं, जैसे मान लीजिए कुत्ते को खाने वाला, सियार को खाने वाला, गीदड़ को खाने वाला, बिल्ली को खाने वाला, ये सब कौन है, शेर है, चीता है, बाघ है, ये सब इनको भक्षण करने वाले हैं। तो ये भी तृतीय उपभोक्ताओं में आएंगे। तृतीय उपभोक्ताओं में वे आ जाएंगे जो इन सबसे प्राथमिक उपभोक्ताओं से भी अपना भोजन ले रहे हैं, द्वितीय उपभोक्ताओं से भी अपना भोजन ले रहे हैं और उपभोक्ताओं से उत्पादकों से भी ले रहे हैं। तो मनुष्य को इसमें शामिल कर सकते हैं। मनुष्य एक सर्वाहारी वर्ग का प्राणी है जो कि सभी उत्पादकों से और सभी उपभोक्ताओं से अपना भोजन ग्रहण करता है। तो तृतीय उपभोक्ताओं में वे आ जाएंगे जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को अपना भोजन बनाते हैं, साथ ही साथ वे भी हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक और उत्पादकों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, अर्थात मानव जो कि सर्वाहारी वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार से उपभोक्ता तीन वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और फिर तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता वे होते हैं जो हरे पादपों पर निर्भर करते हैं। द्वितीय उपभोक्ता वे हैं जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर करते हैं। और तृतीयक उपभोक्ता वे होते हैं जो अपने भोजन के लिए द्वितीयक उपभोक्ताओं पर निर्भर हैं या प्राथमिक, द्वितीयक और उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि ऐसे उपभोक्ता जो उत्पादकों पर, प्राथमिक उपभोक्ताओं पर, द्वितीय उपभोक्ताओं पर और तृतीय उपभोक्ताओं पर निर्भर करते हैं, उन्हें सर्वाहारी भी कहते हैं। जैसे मनुष्य है, मनुष्य पेड़ पौधों से भी अपना भोजन लेता है, प्राथमिक उपभोक्ताओं से भी अपना भोजन लेता है, द्वितीयक से भी लेगा और तृतीयक से भी लेगा। तो मनुष्य को सर्वाहारी वर्ग में रखा जा सकता है, जबकि शेर, चीता आदि जो हैं वो तृतीय उपभोक्ताओं में गिने जाएंगे। तो यहाँ पर हम एक और वर्ग बना सकते हैं, सर्वाहारी वर्ग, चतुर्थ उपभोक्ता। तो ये आप ये भी इसमें जोड़ सकते हैं, यदि आप तृतीय उपभोक्ताओं तक न रखना चाहें, मनुष्य को अलग वर्ग रखना चाहें, तो मनुष्य अलग वर्ग में हो जाएगा, सर्वाहारी वर्ग में आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये ध्यान रखने योग्य बात है कि ये जो चरण है ये पारिस्थितिक तंत्र के प्रकारों के अनुसार अलग अलग हो जाते हैं। हम जिस पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार की बात करेंगे, स्थलीय, जलीय, मरुस्थलीय, अलग अलग प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र हैं, तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार के जीव अलग अलग प्रकार के उपभोक्ताओं में आते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी हैं वो हो गए, द्वितीय उपभोक्ता जो मांसाहारी हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं से भोजन लेते हैं, तृतीय उपभोक्ता वे हो गए जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों से लेते हैं, और यदि हम चाहें तो एक वर्ग और बना सकते हैं, सर्वाहारी जो उत्पादक उपभोग और जो प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ताओं तृतीय उपभोक्ताओं से उनसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने उत्पादकों के बारे में पढ़ा, हरे पौधों के बारे में, उपभोक्ताओं के बारे में पढ़ा। उपभोक्ता तीन हमने यहाँ वर्ग की उपभोक्ताओं के, नंबर एक प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, और फिर यदि हम चाहें तो एक सर्वाहारी वर्ग और बना सकते हैं जिसमें मनुष्य को रखा जा सकता है। नंबर एक प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, दूसरा द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, और चौथा जो वर्ग है वो हो जाएगा सर्वाहारी
जिसमें मानव को शामिल कर सकते हैं। इस प्रकार से उपभोक्ताओं के अलग अलग प्रकार हो गए। अब हम आते हैं अपघटकों पर, जिन्हें डेकम्पोजर्स के नाम से जाना जाता है। अपघटक सूक्ष्म जीव, ये प्राय उत्पादक एवं उपभोक्ताओं की मृत्यु के बाद उनके शरीर का अपघटन कर देते हैं तथा उससे उत्पन्न पदार्थ उसे अपना भोजन एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो उत्पादकों और उपभोक्ताओं की मृत्यु होने के बाद उनके शरीर पर निर्भर होते हैं, उनके शरीर से अपना पोषण प्राप्त करते हैं और उनके शरीर में जो तत्व होते हैं उनका विघटन कर उन्हें वापस पर्यावरण में मुक्त कर देते हैं। इनमें मुख्य रूप से सूक्ष्म जीवों और कवक आदि का समावेश किया जाता है। ये वियोजन के दौरान अपना आहार ग्रहण करते हुए, यानी ये कौन सा काम करते हैं, वियोजन डीकम्पोजिंग का काम भी करते हैं, आहार भी ग्रहण करते रहेंगे और डीकम्पोजिंग का काम भी करते हैं, जैविक तत्वों की पुनर्व्यवस्था करते हैं। ये जीव जंतु जटिल जैविक पदार्थों को एक दूसरे से पृथक पृथक करके वापस अपनी मूल अवस्था में ला करके पर्यावरण में मुक्त करने का कार्य करते हैं। तो जिन जिन पदार्थों से पादप बने हुए हैं, उपभोक्ता बने हुए हैं, उनका ये अपघटन कर देते हैं, उन्हें जटिल संरचनाओं से सामान्य संरचनाओं में बदल देते हैं और उन्हें सामान्य संरचनाओं में बदलकर पुनः उनके मूल स्वरूप में ला करके पर्यावरण वातावरण में मुक्त कर देते हैं। इन्हें अपघटकों के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र के दो महत्वपूर्ण घटक हैं, नंबर एक जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। जैविक घटकों को तीन भागों में बांटा गया है, भौतिक, कार्बनिक और कार्बनिक। भौतिक कारक निम्न है, तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब। अकार्बनिक पदार्थ निम्न है, जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। कार्बनिक पदार्थ निम्न है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। इसके बाद हम जैविक घटकों पर आते हैं। जैविक घटकों में सबसे पहले आते हैं उत्पादक, जिनमें हरे पौधों को शामिल किया जाता है। उसके बाद आते हैं उपभोक्ता, जो हरे पौधों पर भी हरे पौधों को तथा अन्य क्रमशः होते हुए श्रृंखला में क्रमशः बढ़ते हुए जीवों को अपना आहार बनाते हैं। जैसे उत्पादक हो गए, प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, द्वितीयक उपभोक्ता हो गए और तृतीय उपभोक्ता हो गए और सर्वारी वर्ग के आ गए। इसके बाद अपघटक हैं, जो उत्पादक तथा उपभोक्ताओं, ठीक है, किन किन पर क्रिया करते हैं, ये उत्पादकों पर भी करते हैं और साथ के साथ उपभोक्ताओं पर भी क्रिया करते हैं और इनको डीकम्पोज, इनका अपघटन करके वापस पर्यावरण में इनके तत्वों को मुक्त कर देते हैं और अपना आहार भी प्राप्त करते हैं। ये परजीवी भी होते हैं। तो इस प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र के ये प्रमुख घटक थे। तो इस अध्याय में हमने पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा और पारिस्थितिक तंत्र के प्रमुख घटकों के बारे में